गाइज़ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वालेकुम तो मेरी ना ये न्यू चप्पल है डेली यूज़ की आ, मैंने लास्ट टाइम जब ली थी तकरीबन चार महीने पहले वो भी ऐसी ही थी सेम टू सेम थी ऐसी भी इतना है कि इसका जो ऊपर का बेल्ट है ना ये थोड़ा पिंक कलर का है और जो मेरा पहला चप्पल है जो मैं यूज़ करती थी आज तक डेली यूज़ के लिए उसका बेल्ट जो है ना ब्लैक था बाकी चप्पल जो है ना सेम है और मुझे ना ये चप्पल एकदम कंफर्टेबल लगती है डेली यूज़ के लिए और बहुत ही सॉफ्ट एंड अच्छी चप्पल है मतलब ये चप्पल पे भाग भी सकते हैं दौड़ भी सकते हैं लेकिन मैं दौड़ने के लिए तो नहीं ली हुई चप्पल ये डेली यूज़ के लिए डेली अप डाउन करने के लिए और जो चप्पल मैं आज तक यूज़ कर रही थी ना एक्चुअली वो चप्पल का ना बेल्ट निकल गया है और क्या हो गया कि बारिश में वो चप्पल मैंने ना यूज़ कर ली तो जिसकी वजह से ना वो चप्पल जो है ना पेन जैसी रही नहीं खैर मैंने ना फ्रीज से निकाल ली वो फ़िश आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश फ्राई और फिश की करी बनाऊँगी मतलब कि मेरे पास है ना पॉपलेट है उसको फ्राई करूँगी और सुरमई मच्छी जो है ना उसका सालन बनाऊंगी तो नाश्ता हो गया हम लोग का सबका तो मैंने जस्ट बर्तन वगैरह सारे वॉश करके ले लिए अच्छा नाश्ते में ना हम लोग ने सिर्फ पराठे बनाए थे और कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी बर्तनों को बरकत आप देखे कितनी है जैसे तैसे करके बर्तन तो मैंने वॉश कर लिए और जाके वहाँ मैनेज भी कर लिए उसके बाद यहाँ पर जो है मैं फ़िश को क्लीन करने लगी थी मेरे घर में ना हमेशा फिश नहीं बनती है आपने तो देखे ही रहेंगे कई सारी वीडियोज़ में कि बहुत दिन बाद जो है ना मैंने आज फिश बनानी ली है अच्छा यहाँ पर देखिए ये पॉपलेट है ना ये मिनी पॉपलेट है इसमें ना मैंने नमक डाला हल्दी डाली और लाल मिर्ची पाउडर ऐड की है और धनिया पाउडर ठीक है ये मसाला मैं अच्छे से फ़िश पे लगा लूँगी एक चीज़ इस पर और जाएगी आ, लेकिन वो कोट करनी पड़ेगी लेकिन जब मैं फ़िश फ्राई करूँगी तभी आपको बताती हूँ यहाँ पर करी का मसाला मैं तैयार कर रही थी अच्छा ये जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ना आपसे फ़िश करी की ये रेसिपी मैंने एक्चुअली ऑनलाइन देखी हुई हूँ मेरे को देखना है कैसी बनती है करके तो बस दो प्याज ले ली थी और दो टमाटर ले लिए हैं मैंने और इसको ऐसे ही मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ अब जैसा बताया गया है वैसी रेसिपी सेम फॉलो करके बना रही हूँ नहीं तो फ़िश करी मैं अपने अंदाज़ में भी बहुत अच्छी बनाती हूँ अंदाज में बोले तो जैसे मेरे अम्मी मेरे घर वाले बनाते हैं ना मेरे बहन वो लोग बनाते हैं भाभी लोग बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ मैं भी लेकिन मैंने सोची कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं तो बस कढ़ाई में दोनों चीज़ें ले ली थी और इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ मैं इसको ना भून कर ले रही हूँ मतलब टमाटर और प्याज जैसा मतलब थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गए काफ़ी है इसमें नमक डाली हूँ और करी पत्ते डालने हैं करी पत्ते मैंने दस बारह कुछ डाले होंगे पत्ते करी पत्ते मतलब <laughs> और इसमें मैंने दो हरी मिर्ची ऐड कर ली है काजू भी डाले हैं मैंने मैं तो शॉक रह गई कि फ़िश के फिश करी में काजू डालते हैं क्या तो मैंने सोचा कि चले कुछ नया दिख रहा है शायद अच्छा भी लग सकता है तो इसके लिए डाला है काजू भी फिर मैंने डाल दिया है और इसमें ना मैं भी हरा धनिया लूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी और जो मैंने मसाला भुना था वो इसमें ऐड कर रही हो अब पूरी तरह से तो ये प्याज टमाटर ठंडा नहीं हुआ है थोड़ा बहुत ठंडा हुआ था लेकिन मैंने डाल दिया जार में और थोड़ा सा पानी डाल के जो ना मैं इसको पीस कर ले रही हूँ बहुत बारीक पेस्ट कर लेना है गाइज मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ शायद से ये बात पुराने व्यूअर जो है मेरे वो जानते होंगे कि मैं फ़िश नहीं खाती हूँ कभी भी नहीं खाती हूँ और ना खाऊँगी आगे मैंने सोचा कि नए व्यूअर जो है ना उन लोग को भी बता दो आप सोचेंगे कि क्यों नहीं खाती हूँ मैं आखिर पहले से ही नहीं खाती हूँ एक टाइम था बचपन में अम्मी ने स्टोरी दी थी कि फ़िश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी मुझे टोक लग गई एक दूध और एक फिश ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट थी बचपन में बोले तो मैं कितनी साल की होंगी नौ दस साल की होंगी उस टाइम की अम्मी ने बात बताया कि देखो ना दूध बहुत पसंद था गिलास भर भर के दूध पीती थी और फिश भी बहुत पसंद थी तुझे मैं खिलाती थी बोले तेको काटे निकाल निकाल के तो मैं बोले अच्छा टोक लग गई एक्चुअली मुझे जिसकी वजह से फिर अब मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने खाई भी थी कि नहीं खाई थी वो तो अम्मी मुझे बोलती है खैर यहाँ पर सालन बगा रही थी मैं मैंने इसमें कुछ गर्म मसाले डाले हैं गर्म मसालों में दो लौंग, दो काली मीरी दालचीनी और एक तेज एक दो तेज़ पत्ता लिया था मैंने और बस हल्का सा भुनने के बाद गर्म मसालों को उसमें फिर मैंने ये पिसा हुआ पेस्ट ऐड कर लिया है और इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर एक चीज़ तो मुझे पता है अच्छे से कि सबका खाना बनाने का अपना अपना ही एक अलग टैलेंट है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई हाथ में ना एक स्वाद अच्छा होना टेस्ट अच्छा होना अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने मसाला जो है ना ढककर कर भुना था ताकि मेरा चूल्हा ख़राब ना होने तो छिटे बहुत उड़ते हैं मसालों के फिर उसके बाद मैंने इसमें ना फ़िश ऐड कर ली ये सुरमई फ़िश है वो डाल दी मैंने उसके बाद इसको ढककर फिर मैंने पकाया है अब फिश तो जल्दी ही गल जाती है इसके लिए ज़्यादा देर तक तो इसको नहीं ढकूँगी फिर यहाँ पर मैंने अपना प्लेटफॉर्म वगैरह थोड़ा क्लीन करके ले लिया क्योंकि ना चाहते हुए भी थोड़े बहुत तो छिटे आ ही जाते हैं और उसको तो ऐसे छोड़ नहीं सकती ना तो बस साथ में मैंने क्लीन करके ले ली और यहाँ पर बस मैंने ये जार में पानी डाला था मसाले के जार में और वही पानी इसमें ऐड कर लिया है नमक मैं थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि पानी डाला है तो फिर नमक तो डालना ही पड़ेगा थोड़ा सा थिक रखा है क्योंकि रेसिपी जो बताई गई थी वो थोड़ा सा सालन थिक ही था पतला नहीं था तो मैं भी सालन को जो है ना थोड़ा थिक ही रखूँगी ज़्यादा थिक नहीं मतलब मीडियम थिक होता है ना वैसा बस हरा धनिया निकाल लिया था मैंने फ्रिज से सालन एक बार अच्छे से पक जाएगा ना तो फिर उसमें हरा धनिया भी चॉप करके डाल दूंगी यहाँ से मैं चावल निकाल रही थी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ ज़ीरा राइस चावल बघार के नहीं बनाने बस ज़ीरे का तड़का देना है चावलों में ठीक है तो थोड़े से चावल निकाल लिए और रोटी मैंने बनानी है मैं इसके साथ जो है ना जवार की रोटी बनाने वाली हूँ सालन मशाला पक चुका था मैंने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप के हुआ डाल दिया है और फ्लेम ऑफ कर दी और अभी जो है ना मैं वॉशरूम में हूँ मैं बच्चों की और बच्चों की डैडी की जो है ना चप्पलें वॉश कर रही हूँ घिस रही हूँ ये बारिश की चप्पलें उन लोग की हफ्ते में एक बार तो तीनों की चप्पलें मुझे क्लीन करनी ही पड़ती है और पेनिंग ही नहीं वैसे बच्चे ज़रा भी चप्पलों पे दाग दिख गया ना इन लोग को तो मम्मी कितनी चप्पल गंदी है फिर इनके बोलने से पहला ही मैं धो लेती हूँ वैसे क्योंकि मम्मी को भी बर्दाश्त नहीं होता ऐसी गंदी चप्पलें लेके घूमे बाहर खास बच्चों के डैडी इनकी चप्पलें मैं चाहूँ तो डेली की आ, मतलब क्लीन करने में लूँ लेकिन रोज़ लेके भी क्या करूँ थक जाऊँ मैं <laughs> इसके लिए हफ्ते में एक बार लेती हूँ लेकिन हाँ इतना है कि इनकी कभी कभी ना मतलब दो तीन चप्पलें डेली यूज़ की है जो चाहे वो पहनते हैं फिलहाल बारिश की है तो बारिश की पहनेंगे फिर बारिश नहीं रही तो दूसरी निकाल के पहनेंगे फिर अलग अलग चप्पलें हैं उनकी खैर यहाँ पर जो है मैं अभी बना रही हूँ जवार की रोटी मैंने क्या किया गरम पानी किया है और इसमें ना जवार का आटा डाला और थोड़ा सा नमक डाल दो लास्ट टाइम जब मैंने जवार की रोटी बनाई थी दो बार तो देखें प्रॉपर नहीं बनी थी और गरम पानी में मैंने आटा नहीं गलाया था ऐसे ही नॉर्मल पानी में आटा कलाया था लेकिन मैंने सोचा कि गर्म पानी में आटे को मिक्स करके देखते हैं अब देखते हैं कैसी बनती है जवाड़ की रोटी परफेक्ट बनती है या नहीं बनती है खैर आटा तो बहुत अच्छे से गूंधा मैंने बहुत मालिश भी दी वो आटे की और बस सूखे आटे में जो है ये रोटी घुमाने की कोशिश की जा रही थी मैं लेकिन वही हो रहा था कि मैं रोटी घुमा ही नहीं पा रही थी गाइज लास्ट टाइम मैंने जब बनाई थी जवार की रोटी तो क्या ना मुझसे मोटी बन गई थी जिसकी वजह से ना अंदर से थोड़ी सी कच्ची थी थोड़ी थी ज़्यादा नहीं लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं पतली बनाऊंगी और अच्छे से सेकूंगी भी अब ये रोटी बनाना कितना मुश्किल है सल्यूट है उन लेडीज़ को कि इतने अच्छे से रोटी बना ली थी जवार की बाजरे की गेहूँ की देखिए मुझे भी आती है रोटी लेकिन जवार बाजरे की नहीं आती है गेहूँ की आ जाती है एक्चुअली मेरी बहन बहुत अच्छी बना लेती है मेरी भाभी बहुत अच्छी बना लेती है मेरी अम्मी तो मास्टर है बनाने में लेकिन ये चीज़ मैंने शायद इंटरेस्ट ली ही नहीं शादी से पहले इसको सीखने में अगर ले लेती थी, थी तो आज मेरे को भी आ जाती थी कोशिश करती हूँ करती रहूँगी आगे कि मैं एक दिन इसमें ज़रूर सक्सेस हो जाऊँ ये रोटी बनाने में खैर नई सी तो बहुत अच्छी है अच्छी बनी है हाँ इतना है कि फूली नहीं है लेकिन रोटी लग रही है और खाने में भी अच्छी लग रही थी वैसे कच्ची बिल्कुल नहीं रखी मैंने ये देखे छोटी बड़ी बनी है कुछ मतलब साइड से दरारें भी पड़ गई है रोटी पे ये एक रोटी बहुत प्यारी बनी थी एकदम परफेक्ट गोल गोल बच्चे लोग खेल रहे हैं और देखे मैंने सुबह में ही अच्छे से बिछाई थी शीट्स बेड पे और ये देखे कितनी ख़राब कर दिए है मैं इसको अभी ठीक करती हूँ जो चीज़ अगर मैंने देख ली कि ये चीज़ गंदी लग रही तो उसको मैं फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना एकदम मस्त कर लेती हूँ ऐसा नहीं कि देख के अनदेखा करूँ आदत ही नहीं है पहले से ही है कि अगर कोई चीज़ देख रही हूँ ना कि ये चीज़ गंदी है यहाँ पर कुछ पड़ा है ये है उसको फ़ौर उठ कर मैं क्लीन कर लेती हूँ कल पे नहीं छोड़ती या फिर थोड़ी देर पे नहीं छोड़ती हूँ फ़ौर बोले तो फ़ौर अच्छा जो फ़िश को मैंने मसाला लगाई थी ना आ, तो बस उसको फ्राई कर लेते हैं तो मैंने ना रवा निकाल लिया था ये बारीक वाला रवा है गाइस और बस कोट करेंगे रवे से फिश पे अच्छे से अच्छा मैंने ना नॉन स्टिक पैन लिया था इसमें मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ तो थोड़ा सा तेल लिया था शेलो फ्राई कर रही हूँ फिश को गाइस मैं फ़िश का आइटम कोई भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं फ़िश खाती ही नहीं मैंने अपने लिए जवार की रोटी बनाई हूँ मैं उसके साथ है ना सेंग का टेसा खा लूँगी तो वो बस अच्छे से फ्राई करके ले रही थी और बची हुई फिश जो है मसाला लगाई हुई और रवे से कोट की हुई फिश है मतलब मैं इसको कंटेनर में डाल के रख रही हूँ नेक्स्ट टाइम तलूँगी क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएंगी खाने को सिर्फ वही है बच्चे भी नहीं खाते मैं भी नहीं खाती हूँ आई होप कि साले उनको बस पसंद आ जाए क्योंकि ये रेसिपी मैंने फॉलो करके बनाई हूँ मैंने पता है टेस्ट भी नहीं किया क्योंकि मैं खाती ही नहीं बिल्कुल नहीं तो देखिए मैं हमेशा नमक चेक करती हूँ कोई भी खाने हो भले लेकिन मैंने आज बिल्कुल टेस्ट नहीं किया मैंने फ़िश कब नहीं खानी बस यहाँ पर फिश भी फ्राई हो गई है फटाफट क्लीन वगैरह करके ले ली थी प्लेटफॉर्म मैंने क्योंकि मेरी हेल्पर आने वाली थी बर्तन वगैरह भी पकाए हुए धोके डाल दी हूँ और ये देख मेरी हेल्पर आ गई अच्छा ये ना शाम का टाइम था जो कि मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी तो आई थिंक छः ही बज रहा होगा नमाज़ पढ़ के भी टाइम हो गया मुझे तो छः ही बज रहा था और बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी बहुत सारा फॉग जमा हुआ था बच्चे लोग भी घर में हैं सारा के भाई है कज़न भाई तो आते रहते मतलब खेलते साथ में और हम लोग ने भेल मंगाई थी भेल मुझे बहुत स्पेशली पसंद है और मेरी बात मेरी बेटी को हमारे बच्चे भी खा ही लेते और इसके बाद फिर ना मैंने बच्चों को फ्राइज भी बना के दी थी एयर फ्राई में और सोच रही हूँ ना कि व्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं और इसी के साथ ब्लॉग को मैं भी एंड करना चाहूँगी इन बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इन दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा मैं भी आप सबको दुआ में याद करती हूँ अल्लाह हाफिज़ बाय